पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों पर चक्रवाती तूफान अफान की तबाही मचाने के कुछ ही दिनों बाद भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को निसर्ग नाम के एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है, जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि 3 जून को निसर्ग चक्रवाती तूफान उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट को पार करने की संभावना है। IMD ने ट्वीट कर कहा कि दक्षिण पूर्वी और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर तथा लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में निसर्ग चक्रवाती तूफान के पूर्वी मध्य और आसपास के दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर दबाव के रूप में मजबूत होने की संभावना है। इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ने और 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र तथा गुजरात तटों के पास पहुंचने की काफी संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवात निसर्ग के चलते मछुआरों को एहतियातन समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, जो मछुआरे अभी अरब सागर में गए हैं, वे तुरंत वापस लौट आएं। इस चक्रवाती तूफान की लाइव ट्रैकिंग संभव है और IMD वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। यह उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। इसके बुधवार को तट से टकराने की संभावना है। उस समय तक ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों की ताकत से दोगुनी ताकत का है। चक्रवातों की ताकत को उनके द्वारा उत्पन्न हवा की गति से मापा जाता है। यदि यह चक्रवाती तूफान तेज हो जाता है तो महाराष्ट्र के कुछ तटीय जिले सीधे अपने पूर्व अनुमानित मार्ग की कतार में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी लैंडफॉल का सही स्थान निर्धारित किया जाना है, लेकिन यह मुंबई के करीब होने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें लाइव न्यूज़।